सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम आज वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्रेशन के वक्त सुशांत इस रिजॉर्ट में रुके थे, यहां उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। सीबीआई की दूसरी टीम सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। सुशांत के सीए रजत मेवाती से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि सीबीआई एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। वहीं रिया के वकील सतीश पानचिंदे का दावा है कि उनकी क्लाइंट को समन नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा वो जांच में सहयोग करेंगी। शुरुआती दौर में सीबीआई रिया से 10 पॉइंट्स पर सवाल जवाब कर सकती है। क्या है वो 10 अहम सवाल, चलिए आपको बताते हैं। सीबीआई रिया से जानना चाहेगी कि सुशांत की मौत यानी 14 जून के दिन वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई उससे पहले रिया का सुशांत से रिश्ता कैसा था। सीबीआई रिया से ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि वो सुशांत के घर से चली गई थी। क्या सुशांत की जिंदगी और पैसों से जुड़े सारे डिसीजंस रिया खुद लेती थी। सीबीआई जानना चाहती है कि आखिरकार सुशांत हिंदुजा हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुए थे। क्या इसकी जानकारी सुशांत के परिवार को थी। क्या सुशांत किसी बात से परेशान चल रहे थे, अगर हाँ तो वो कौन सी वजह थी। सीबीआई रिया से ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार सुशांत कौन सी दवाई लेते थे और ये सब दवाइयाँ सुशांत को किसने लेने को कहा था। सुशांत जिस डॉक्टर के यहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे उससे सुशांत को किसने मिलवाया। क्या रिया उस डॉक्टर को पहले से जानती थी। सुशांत ने अपनी सेहत के लिए जब पूजा कराई थी तब वो कहाँ थी और क्या उन्होंने ही ये पूजा कराई थी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों के साथ रिया के संबंध कैसे थे। सीबीआई इन तमाम सवालों के जवाब रिया से जानना चाहती है ताकि जल्द से जल्द इस केस की गुत्थी सुलझ सके। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।